33% रूल सुनने में लगता है कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला होगा या साइंस की कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, पर ये लाइफ का 33% रूल है जिसे अगर आपने जिंदगी में सही तरीके से उतारा ना तो लाइफ आपकी एकदम ट्रैक पे आ जाएगी और जबरदस्त हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश कुमार, और इस 33% रूल में से जो फर्स्ट 33% है वो ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ का 33% टाइम या आपको अपने डे का 33% टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो कि आपसे छोटे हैं। अगर आप उन लोगों के साथ बिताएंगे तो आपको उन्हें मेंटरिंग करने का, आपको उन्हें टीचिंग करने का और कुछ ना कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी सिखाने की स्किल्स, टीचिंग स्किल्स और इंटरेक्टिव स्किल्स जो कि आप दूसरों को सिखाते हैं ये आपकी बढ़ेगी और जिंदगी में आप एक हेल्प अदर्स का काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो नेक्स्ट 33 रूल है वो ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ का जो नेक्स्ट 33% है, डे का जो 33% टाइम है, वो उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो कि आपके फ्रेंड्स हैं या फिर सेम एज ग्रुप के हैं, जो कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। इससे आप क्या करेंगे कि सेम मेंटेलिटी लेवल और सेम बातों को शेयरिंग करने का तरीका सीख पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे और कुछ उन्हें भी सिखा पाएंगे। ठीक इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी में सेम एज ग्रुप से लेकर के उन लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, या फिर उनके साथ जो वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उनसे आप कुछ नया ले सकते हैं। और जो थर्ड रूल है वो 33% ये कहता है कि आपको अपने दिन का या लाइफ का 33% टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो कि आपसे 10 या 25 इयर्स बड़े हैं। ऐसा करके आप उनसे कुछ ना कुछ एक लेसन ले सकते हैं, उनसे कुछ सीख ले सकते हैं और वो आपको अपनी लाइफ से ये कुछ बताएंगे कि उनकी एक्सपीरियंस से आपको अपनी लाइफ में क्या सीखना चाहिए या फिर आप अपनी जिंदगी में कहाँ पर किस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो और उस गलत ट्रैक पे क्या काम करना चाहिए जिससे हम सही आ जाएं और किस तरीके से अपनी लाइफ में एक्सपायर ना होकर के इंस्पायर हो जाए, ये उन लोगों से बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये 33% रूल आपकी जिंदगी में एक नया साबित होगा और इसे आप अपनी सही जिंदगी में उतार पाएंगे और अपने लाइफ का बायफर्केशन सही तरीके से कर पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इन दो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा अगर आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं तो। और एट द लास्ट, रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यहां पर भी क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अविस्पार्क्स।